हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ कि एड्रेस बदलने के लिए आपको आधार अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना। तो सबसे पहले आ जाइए अपने क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पर आपको आधार अपॉइंटमेंट टाइप करना है। आधार अपॉइंटमेंट टाइप करने पर यहाँ पर सबसे पहले रिजल्ट आता है आधार अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एड्रेस बदलने के लिए आपको बुक एन अपॉइंटमेंट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाले पर क्लिक कर दीजिए, बुक प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट। यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर आपको भरना है, फिर कैप्चा भर के सेंड ओटीपी करना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर भर दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसा कि मैंने मोबाइल नंबर भर दिया है और यहाँ पर कैप्चा भरने लगा हूँ मैं। सेंड ओटीपी कर दीजिए। सेंड ओटीपी करने के बाद जैसा कि मेरे मोबाइल में ओटीपी आ गया है, मैं टाइप कर दे रहा हूँ सबमिट ओटीपी एवं प्रोसीड कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये पेज आता है। यहाँ पर आपको आधार अपडेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नेम भरना है। नेम भरने के बाद आधार नंबर भरना है, फिर जो अपडेट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो जैसा कि मुझे एड्रेस बदलना है तो यहाँ पर मैं एड्रेस पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं नेम भर देता हूँ अपना। अब नेम भरने के बाद आप आधार नंबर भरना है तो आधार नंबर भर दीजिए, प्रोसीड कर दीजिए एड्रेस पर टिक करके। यहाँ पर आपको जो भी अपडेट करना है इसमें एड्रेस में वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर पति या फिर पिता का नाम भी अपडेट करना है तो यहाँ से आप वो भी सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नाम भर सकते हैं जो भी सही नाम है। इसके लिए ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं लगता है, इसे सिर्फ प्रधान से प्रमाणित या फिर वोटर आईडी कार्ड, यही बस चाहता है, या फिर सभासद से प्रमाणित वाला फॉर्म पे चाहता है, और कुछ नहीं चाहिए इसमें इसको अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपका हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट जो भी है, नंबर वगैरह वो भर दीजिए यहाँ पर, जैसा कि मैं भर रहा हूँ। स्ट्रीट, रोड, लेन में जो भी आपका भर दीजिए। ये भरने के बाद आपको लैंडमार्क में भरना है, जो भी आपका एरिया का लैंडमार्क हो, यानी कि कोई पहचान का चिन्ह जिस पे मतलब यहाँ से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मेरा घर है, तो वही मैं डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पर भरना है अपने एरिया का। उसको भरने के बाद आपके सामने विलेज, टाउन, सिटी सब सेलेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, स्टेट भी सिलेक्ट हो गया। सेवन प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको सब मैच करने के लिए मिलता है। अगर सही है तो आप टिक करके सबमिट कर दीजिए, सही है तो सबमिट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका अप्लीकेशन सबमिट हो गया है और योर अपॉइंटमेंट आईडी मिल गया है, बुक अपॉइंटमेंट कर दीजिए यहाँ से। यहाँ आपको वही पिन कोड डालना है आपके नज़दीकी एरिया का, तो गेट डिटेल करिए। यहाँ पर जिस सेंटर पर आपको स्लॉट मिल रहा है उस पर आप बुकिंग कर सकते हैं नज़दीकी सेंटर पर। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप स्लॉट मुझे मिल रहा है आराम से, तो मैं बुक कर दे रहा हूँ। सबमिट कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। आपका देखेंगे इतना जल्दी से आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है और बहुत जल्द ही जल्द इसमें आधार एड्रेस आपका अपडेट हो जाता है, 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का आधार एड्रेस अपडेट कराया है तो मुझे पता है 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल डिजिटल पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।